पहली भक्ति क्या है? बोले संतों का संग करो। तो वहां ये नहीं लिखा कि कपट छोड़कर संग करो, कि मन लगा के संग करो, कि उनमें श्रद्धा रखते हुए संग करो। गोस्वामी जी कहते हैं यदि श्रद्धा पूर्वक संतों का संग करेंगे तब तो कल्याण होगा, और मान लीजिए श्रद्धा नहीं भी है तो संतों का संग करते करते अपने आप श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। कपट रहित होकर के कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मान लीजिए हृदय में कपट भी है तो संत संग की महिमा यह है कि संत संग करते करते अपने आप कपट दूर हो जाएगा। कोई शर्त नहीं लगाई। दूसरी भक्ति में शर्त लगी है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथाओं को सुनना, लेकिन शर्त लगी है रति माने प्रेम पूर्वक सुने तो कल्याण होगा। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गने करहि कपट तजिगा। गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा करना ये तीसरी भक्ति है, लेकिन शर्त लगी हुई है मान रहित होकर के। हम थोड़ी सेवा कर लेते हैं तो हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, मान आ जाता है कि हमने इतना किया है, हमने ऐसा दिया है। तो गुरु सेवा तीसरी भक्ति है, लेकिन शर्त लगी हुई है कि मान रहित होकर के। चौथी भक्ति मम गुणगान करे ही कपट तजगान, चौथी भक्ति है कि मेरा गुणगान करे, लेकिन शर्त लगी हुई है कि कपट छोड़ करके करे। कैसे करे? बोले मम गुण गावत पुलक शरीरा और गदगद गिरा नयन वह नीरा। गदगद होके पुलकित होके गाए तब आनंद है उस भक्ति का। पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जप करना पांचवी भक्ति है, लेकिन उसका फल पूरी तरह तभी प्राप्त होगा, उसमें शर्त लगी है कि दृढ़ विश्वास हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। छठ दम शील नृत बहुकर्मा, नृत निरजन सज्जन धर्मा, इसमें तो बहुत शर्तें लगी हुई है। इंद्रियों का दमन करके छठ दम शील, शील पूर्वक निरति बहुकर्मा, अनेक प्रकार के कर्मों से मन को हटा करके केवल भगवान में मन लगा करके भजन में लगे, छठ भी भक्ति कठिन है। सातवीं भक्ति, सात अभी मौसम जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मेरे समान ही जगत को देखे लेकिन मुझसे भी अधिक संतों को माने। आठवीं जता लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखें परदोषा, जो मिल रहा है उसी में संतोष करे, आठवीं भक्ति है। लेकिन शर्त लगी हुई है कि स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को ना देखे। और सिंह साहब लोग अपने दुखों से जितने परेशान नहीं हैं, उतने परेशान दूसरे के सुखों को देख करके हैं। इतना कैसे हो गया, ये कहां से हो गया, कैसे कर लिया? तो दूसरे के सुखों को देखकर लोग ज्यादा परेशान, अपने में तो संतोष कर ले पर दूसरे का देख करके ईर्ष्या। नवम सरल सब सन छल हीना, नौवीं भक्ति है कि छलहीन होकर के और भजन करे, सरल बन जाए। मम भरोस ही हरस न दीना, मेरे भरोसे होकर के ना मन में हर्ष रहे ना शोक रहे, सरल बन जाए। ये भी बड़ा कठिन है, इसमें भी शर्त लगी हुई है। शर्त किसमें नहीं लगी? बोले पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं है, बिना शर्त की है। प्रथम भगति संतन कर संगा, किसी भी प्रकार एन केन प्रकारेण हमें संत संग प्राप्त हो जाए, महापुरुषों की चरण रज प्राप्त होने लगे, चरणामृत प्राप्त होने लगे, सीत प्रसादी मिल जाए, तो समझ लो जीवन निश्चित धन्य हो जाए। किसी ने कह दिया कि संत पारसमणि जैसे होते हैं, तो पारसमणि की उपमा जब संतों को दी गई तो एक संत बोले कि नहीं नहीं, संत पारसमणि जैसे नहीं है। पारसमणि भले ही लोहे को स्वर्ण बना सकती है, लेकिन लोहे को पारसमणि पारस कभी नहीं बना सकती, अपना स्वरूप नहीं दे सकती। अरे बोले लोहा स्वर्ण बन जाए तो भी बड़ी बात है, सोना क्या सस्ता है, सोने भी बहुत महंगा है। पंकज जी सोने की तलवार है, आपने पारसमणि छुला दी, क्या हुआ? लोहे की तलवार जो है उसको आपने पारस छुला दिया तो सोने की हो गई,
लोहे की थी, पारस सोते ही सोना बन गया। तलवार तो रहेगी, उसकी मार, उसकी धार और उसका आकार तीनों नहीं बदले। फर्क इतना है, पहले लोग लोहे की तलवार से काटे जा रहे थे, अब सोने की तलवार से लोग काटे जाएंगे। लेकिन काटने का काम ही करेगी, जोड़ने का नहीं कर सकती तलवार, काम तो वही कर रही है। अब किसी को स्वर्ण की तलवार से मार दिया जाए तो क्या उसके बच्चे गौरव से कहेंगे कि हमारे पिताजी को सोने की तलवार से मारा था? अरे मारे गए माने मारे गए, अब सोने की से मरेगी, लोहे की से कोई बात नहीं। कहने का अर्थ यह है कि पारस मणि ने लोहे को सोना तो बना दिया, पर पारस जैसा नहीं बना, अपने जैसा नहीं बनाया। संत का स्वभाव यह है कि जो उनके संग में आ जाता है उसका जीवन बदल जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, उसकी रहनी, उसकी करनी, उसके विचार सब बदल जाते हैं।